आवाज कम आ रही तुम्हारी। यहाँ के क्वेश्चन कैसे लगे थे आपको? मैथ बिल्कुल नॉर्मल, बहुत अच्छी थी मैथ। पेपर तो इतना सरल आएगा, तीन क्लास का बच्चा भी कर देगा। ये बताएगा भाई बच्चा सही है, क्वेश्चन याद है? एक आया था 40 में से 21 घटाओ तो कितना बचेगा, मैंने कहा 19। इतना सरल आया था पेपर। पूछ रहे हैं साइंस भी बहुत बढ़िया आई थी, साइंस थोड़ी टफ थी। एक क्वेश्चन मतलब कि सबसे टफ आई थी, हल्की आई थी, क्या मतलब कर देगा बच्चा? तीन क्वेश्चन मैं बता दूं, तीन क्वेश्चन तो था करंट से, एक तो दीक्षा डायवर और एक था संविधान सभा क्वेश्चन, एक अनुच्छेद सरकार में और जितना पढ़ाया अनुच्छेद और एक जलियांवाला बाग आया था जलियांवाला कांड और और अनुच्छेद बता दिया अनुच्छेद और थोड़े याद है टोटल क्वेश्चन को रिटर्न किया है मैं टोटल कर दिया। भारत का संघ है उसका राज्य क्षेत्र ये पहले से आसान। जीएस को कोई क्वेश्चन याद है? हाँ ना, एक भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना कोई याद क्वेश्चन वगैरह, कोचिंग कुछ ना की मैंने कभी, मतलब हाँ पहली बार। कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे टोटल? टोटल 50 क्वेश्चन, उसमें मैंने 45 क्वेश्चन किए। ओके धन्यवाद। पेपर कैसा हुआ? पेपर नॉर्मल था, इजी था पेपर। मैथ में परसेंटेज एवरेज और सिंपलीफिकेशन साधारण ब्याज और रीजनिंग में कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग और दाएं और बाएं बैठे थे व्यक्ति, 40 व्यक्ति दिए थे, उसमें दाएं से 21 में था, बाएं से पूछ रहा था। साइंस में क्वेश्चन साइंस की पता नहीं है, जीके जीएस में जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस की स्थापना और भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा में पाली भाषा में दिए थे, तीन और मैं नॉर्मली दिए क्वेश्चन, और उत्तर भारत की नदी कौन सी है, चार ऑप्शन दिए उसमें गंगा नदी। इजी कर दे। टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड किए? मैंने तो 50 क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है धन्यवाद।